कि आज चौथे दिन भी इलाके में शांति व्यवस्था कायम है। इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है। इस बीच स्कूल, कॉलेज और बाजार खोल दिए गए हैं, हालांकि इंटरनेट की सेवा अभी भी बंद है। संभल में हिंसा के ताजा हालात बता रहे न्यूज स्टेट संवाददाता हिमांशु शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं संभल की शाही जामा मस्जिद पर, उसी जगह पर जहां पर 24 तारीख को हिंसा बढ़ती थी। पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई और उसके बाद जो मंजर था वो सभी के सामने था। लेकिन आज संभल में शांति है। आज जो हिंसा हुई थी उसका चौथा दिन है हिंसा के बाद का, और तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखेंगे आप, म्युनिसिपल पार्टी के जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो जगह जगह से जो पत्थर हैं उनको हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां भी अगर पत्थर या ईंट है उसको ले जाया जा रहा है। उसके पीछे की वजह ये है, अगर दोबारा से तनाव इसकी स्थिति बनती है तो ऐसे में इन पत्थरों का इस्तेमाल भीड़ एटलीस्ट पुलिस प्रशासन पर ना कर पाए। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा शाही जामा मस्जिद के पीछे की वो तस्वीरें जहाँ पर ये गवाही दे रहे हैं, जो ईंट पत्थर अभी भी दीवार पर पड़े हुए हैं कि 24 तारीख को किस तरह से यहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी, पथराव हुआ था और कुछ हिस्सा जो है शाही जामा मस्जिद के पीछे का उसका जो प्लास्टर है वो भी ईंट पत्थर लगने की वजह से छुटकर नीचे गिर गया था। हालांकि अब स्थिति जो है वो सामान्य होती हुई दिखाई दे रही है। तमाम जो घर बंद थे, जो दुकानें बंद थी वो खुल गए हैं। सड़क पर लोग बाग में निकल रहे हैं, लेकिन 24 तारीख की हिंसा के जो निशान है वो आज भी दिखाई दे रहे हैं। जो गाड़ियां यहां पर अभी भी थी जिनको आग के हवाले कर दिया गया था वो आप देख सकते हैं। ये वो एरिया है जो काला पूरी तरह से आप देख सकते हैं, आग के धुएं की वजह से हुआ था। जो गाड़ी जल गई थी उसकी राख अभी भी यहाँ पर पड़ी हुई है। लेकिन ईंट पत्थरों की बात करें, निशान जरूर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ईंट पत्थरों के जो ईंट पत्थर बरसाए गए थे लेकिन उनका को अब यहाँ से हटा दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ जो तार बिजली का आग की चपेट में आने के बाद टूट कर नीचे गिर गया था उसको भी अब ठीक कर दिया गया है। दो जगह पर गाड़ियों को आग के हवाले किया गया था और ये पूरी जो सड़क आप देख रहे हैं ये पत्थरबाजी में पत्थरों के निशान यहां पर अभी भी बयां कर रहे हैं। तो एक और सड़क आप देखेंगे, इस सड़क पर भी आप देखेंगे तो यहां पत्थरबाजी हुई थी और उस पत्थरबाजी के निशान इस सड़क पर अभी भी है। यहां जो आगे गाड़ियां खड़ी थी उन गाड़ियों के अंदर भी तोड़फोड़ हुई थी, पत्थर आकर लगे थे, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई थी। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो चुकी है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे संभल की जो जनता है वो वापस अपने जनजीवन पर या आम जनजीवन पर वापस लौटते हुई जिंदगी दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं जो मार्केट है वो भी खुलने लगी है, घरों से महिलाएं भी निकल रहे हैं और जो दुकानें बंद थी जिन पर शटर डाउन था वो शटर अब ओपन हो गए हैं। तो ये तस्वीरें आज की हैं, यानी हिंसा के 3 दिन बाद की तस्वीरें। एक बड़ा हिस्सा मैं दिखाना चाहूँगा शाही जामा मस्जिद के प्लास्टर का जो पत्थरबाजी में नीचे गिरा था, ये आप वो हिस्सा देख रहे हैं शाही जामा मस्जिद के पीछे जहाँ पत्थरबाजी हुई थी। ये पूरा हिस्सा ईंट पत्थर लगने की वजह से टूट कर नीचे गिर गया था। यहीं पर जो गाड़ियां खड़ी थी उनको आग के हवाले कर दिया गया था और पुलिस प्रशासन पर एकाएक तीनों तरफ से पत्थरबाजी हुई जिसके बाद लाठीचार्ज हुआ। लेकिन अब स्थिति सामान्य होती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, संभल।